गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की ताजा सर्वे राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी कर दी गई है। प्रथम चरण में गुजरात के 19 जिलों की टोटल 89 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होगा, जिसमें दक्षिण गुजरात के 7 जिलों को प्रथम चरण में शामिल किया गया है और दक्षिण गुजरात की टोटल 35 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होगा। सौराष्ट्र कच्छ के 12 जिलों को प्रथम चरण में शामिल किया गया है और सौराष्ट्र कच्छ की टोटल 54 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को प्रथम चरण में मतदान होगा। शुरुआत करते हैं दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों से, जहां 1 दिसंबर को प्रथम चरण में मतदान होने जा रहा है। राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार के अनुसार अन्य को 1 से 2 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान है। वहीं दक्षिण गुजरात में आम आदमी पार्टी सट्टा बाजार की ताजा और स्टीक सर्वे के अनुसार 1 से 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। केजरीवाल का ढोल बजाया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड परिस्थिति जीरो है। तो वहीं दक्षिण गुजरात में कांग्रेस को 7 से 9 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की ताजा और स्टीक सर्वे में लगाया गया है। वहीं दक्षिण गुजरात के 7 जिलों की 35 सीटों में से 24 से 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। फलोदी सट्टा बाजार ने 24 से 26 सीटें दक्षिण गुजरात में बीजेपी को दे दी है। दूसरी तरफ सौराष्ट्र कच्छ की 54 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार अन्य को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं यहाँ सौराष्ट्र में आम आदमी पार्टी को 1 से 2 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार फिलहाल की सर्वे में सौंप चुका है और वहीं सौराष्ट्र कच्छ की 12 15 से 17 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार लगाया गया है। सौराष्ट्र और कच्छ की 34 से 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। ऐसे में गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों में से 89 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होगा और प्रथम चरण के सर्वे नतीजों पर ओवरऑल जो नजर डालें तो 89 विधानसभा सीटों में से राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने प्रथम चरण की 3 से 5 सीटें अन्य के खाते में डाल दी है सट्टा बाजार द्वारा और आम आदमी पार्टी प्रथम चरण में 2 से 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है, जिसमें सूरत भी शामिल है। प्रथम चरण में कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार 22 से 24 सीटें दे रहा है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस 22 से 24 सीटों पर प्रथम चरण में कब्जा कर सकती है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में 58 से 60 सीटों पर कमल खिला सकती है।